अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने जहाँ तक एम्ब्रियोलॉजी की थी तो मैं ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ा रहा था, लेकिन अब से मैं कॉर्नल मेथड के थ्रू आपको उर्दू में पढ़ाऊँगा ताकि बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 से, और ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन को डिस्कस करेंगे। कॉर्नल मेथड में हमारे पास जो तरीका है उसमें सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आती है जिसमें गैस्ट्रुलेशन, फिर उसके क्वेश्चंस या कीवर्ड्स आते हैं जिसमें व्हाट इज़ गैस्ट्रुलेशन, डेट ऑफ गैस्ट्रुलेशन, एक्सपीरियंस प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, फिर हम उसके रफ नोट्स लेते हैं और फिर यहाँ पे लास्ट में हम समराइज़ करते हैं। सो स्टार्टिंग विद गैस्ट्रुलेशन, व्हाट इज़ गैस्ट्रुलेशन? द प्रोसेस दैट एस्टेब्लिशेज ऑल थ्री जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म इन एम्ब्रियो। व्हाट इज़ डेट ऑफ गैस्ट्रुलेशन? थर्ड वीक ऑफ डिवेलपमेंट। सो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन गैस्ट्रुलेशन की, प्रोडक्शन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स हैं जो कि एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म है, और ये होता है थर्ड वीक में है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन बिगेन्स विद फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक है लीनियर बैंड ऑफ थिकेंड एपिब्लास्ट, फर्स्ट अपीयर्स एट कॉडल एंड एंड ग्रोज क्रेनियली। कॉडल एंड जो बेसिकली हमारे पास होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास एट द फीट पोर्शन, और क्रेनियल जो होता है वो हमारे पास ब्रेन का पोर्शन होता है। सो गैस्ट्रुलेशन बिगेन्स विद फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक ऑन सर्फेस ऑफ एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है। ऑन 16th डे स्ट्रीक इज विजिबल एज नैरो ग्रूव बल्जिंग ऑन आइदर साइड। सिफेलिक एंड जो कि हेड की तरफ होता है, प्रिमिटिव नोड कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली एलिवेटेड एरिया प्रिमिटिव पिट। सो स्लाइटली एलिवेटेड एरिया होता है जिसे हम प्रिमिटिव पिट कहते हैं। सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट अराइव एट स्ट्रीक, डिटैच फ्रॉम एपिब्लास्ट, स्लिप इन टू स्ट्रीक। सो एपिब्लास्ट सेल जो है वो इस प्रिमिटिव पिट के थ्रू एंटर कर जाते हैं स्ट्रीक के अंदर। इट इज़ इन्वेजिनेशन, सो इस प्रोसेस को हम इन्वेजिनेशन कहते हैं, किसी चीज़ के अंदर एंटर होना, और दिस इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ FGF8 जो कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है ऑफ स्ट्रीक सेल्स, जो उनका स्टिमुलस होता है जो उसको उस तरफ को अट्रैक्ट करता है आने के लिए। नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। तो पहले हमने बात कर ली कि एपिब्लास्ट के सेल इन्वेजिनेशन के थ्रू एंटर होते हैं। अब ये इन्वेजिनेटेड सेल्स जो है एपिब्लास्ट के, जो डिस्प्लेस करते हैं हाइपोब्लास्ट को, वो एंडोडर्म को बनाते हैं। बेसिकली ये होते हैं एपिब्लास्ट की सेल है, जो डिस्प्लेस करते हैं हाइपोब्लास्ट को उसको एंडोडर्म कहेंगे। जो बिटवीन द एपिब्लास्ट एंड न्यू एंडोडर्म जो कि अभी हमारे पास हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस करने से बना है उसको हम मेसोडर्म कहेंगे, और जो सेल्स रिमेन इन एपिब्लास्ट आर कॉल्ड एक्टोडर्म, द आउटर मोस्ट लेयर। एपिब्लास्ट इज सोर्स ऑफ ऑल थ्री जर्म लेयर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज प्रीकॉडल प्लेट? प्रीकॉडल प्लेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वन ऑफ द फर्स्ट सेल्स दैट माइग्रेट थ्रू नोड एंड मूव इन स्फेलिक डायरेक्शन। सो जो सेल्स हमारे पास एंटर होते हैं प्रिमिटिव प्लेट से और हेड पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रीकॉडल प्लेट। इट गिव्स राइज टू फोर ब्रेन एंड एक्सटेंड्स बिटवीन द टिप ऑफ नोटोकॉर्ड एंड ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। सो बेसिकली फोर ब्रेन के जो प्रिकर्सर है या फोर ब्रेन की प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास प्रीकॉडल प्लेट से होगी, और ये हमारे पास नोटोकॉर्ड और ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। Which structure gives rise to opening of oral cavity? So tightly adherent ectoderm and endoderm of oropharyngeal membrane at cranial end of the disc gives rise to oral cavity. So basically आपको इतना याद रखना है कि oropharyngeal membrane के ectoderm या endoderm जो है वो हमारे पास oral cavity की opening जो है वो बनाती है। Next है हमारे पास इसकी समरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समरी को आप सिर्फ याद रख लें, और साथ ये जो मैंने टिप्स दी हैं ये बेसिकली इसके निमोनिक हैं, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इन थर्ड वीक एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म जर्म लेयर्स डिवेलप फ्रॉम इन्वेजिनेटेड एपिब्लास्ट सेल्स, जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट स्लिप इनटू स्ट्रीक। एपिब्लास्ट डिस्प्लेस हाइपोब्लास्ट एंड फॉर्म एंडोडर्म। एपिब्लास्ट बिटवीन एंडोडर्म एंड एपिब्लास्ट इज मेसोडर्म, रिमेन इन एपिब्लास्ट इज एक्टोडर्म। प्रीकॉडल प्लेट फॉर्म्स फ्रॉम फर्स्ट माइग्रेटेड सेल्स एपिब्लास्ट एंड फॉर्म्स फोरब्रेन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नोटोकॉर्ड टू ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ओरल कैविटी अराइजेस फ्रॉम क्रेनियल एंड ऑफ द ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। जो टिप है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट वो है, तो आपने ये याद रखना है कि गैस्ट्रुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्री। सो थ्री क्या है? थर्ड वीक में होती है, थ्री जर्म्स लेयर बनाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और ये हमारे पास थ्री लुक्स लाइक ई। सो हर चीज़ का सोर्स जो है एपिब्लास्ट, दिस इज़ थ्री एंड दिस इज़ ई। सो हर चीज़ का सोर्स जो है एपिब्लास्ट है, और फिर आपने याद रखना है पी कॉडल। सो प्री कॉडल जो है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम पी, दैट इज़ फेरेंजियल प्लेट, ओरोफेरेंजियल प्लेट, टू सी,
दैट इज कॉड नॉट अ गॉड। सो हमारा गैस्ट्रुलेशन का टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूं आपके लिए। थैंक यू।